अंबेडकर नगर में मोबाइल चोरी के आरोप में दुकानदार की पिटाई से नाराज लोगों ने शाहगंज मार्ग जाम कर जमकर हंगामा शुरू किया। दरअसल मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शाहजापुर पुलिस चौकी का है, जहां पुलिस चौकी इंचार्ज और दो सिपाहियों पर आरोप है कि उन्होंने मोबाइल चोरी आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई की। वहीं पिटाई से नाराज स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया और फिर सड़क जाम कर घंटों हंगामा किया। जाम और हंगामे में भाजपा के कई नेता भी शामिल रहे। लड़के का मोबाइल भी चोरी हुआ था, वो भी सेबू के यहाँ काम कर रहा था, तो वो जो है मोबाइल चोरी करके कह रहा है कि ला के यहाँ दुकान के पास हम बेचे थे। वो हमने जब उससे पूछा कि भैया तुम उससे पहचानते हो, तो उसने कहा गोरा सा लड़का था, पतला सा था। तो हमने कहा हमारे बराबर था कि हमसे छोटा था कि हमसे बड़ा था, तो वो कुछ नहीं बताया। इसके बाद आनाकानी करके पानी पीने के बहाने वो घर से बाहर निकला, इसके बाद वो गायब हो गया। तो यही बात हम जान मोहम्मद और नसीम जी से बता रहे थे, तो जिसमें कि चौकी इंचार्ज जो है वहाँ आए, खंभे के पास हम लोग खड़े थे, तो इन्होंने कहा गाली देते हुए कि चलो चौकी के अंदर खींचते हुए हमें यहाँ लेके आए, यही बाइक थी, हम यहीं पे रुक गए, क्योंकि हमें पता था कि अगर चौकी के अंदर हमको लेके जाएंगे तो मारेंगे बहुत। तो हमने यहाँ जो बाइक पकड़ी थी वही बाइक हम छोड़ नहीं रहे थे। तो गजेंद्र जी और नसीम जी और एक सिपाही और जो उनके साथ गए थे। वहीं घंटों चले हंगामे के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सड़क जाम कर रहे लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। इस घटना की जांच करने के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। एक जो है वो दुकानदार है, उसको चौकी पे ले आने को लेकर के जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनका ये कहना था कि उसको गलत तरीके से पुलिस ले आई है और उसके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो पूरे प्रकरण की जानकारी कर ली गई है। इस संबंध में सीओ सिटी से हम जांच करा करके और जो भी दोषी होगा चाहे पब्लिक के या पुलिस के लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने दो सिपाहियों पर कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबेडकर नगर से कार्तिकेय द्विवेदी की रिपोर्ट।